Welcome back, guys. So in today's topic, what we are going to do is we are going to discuss about the principles of dialysis. Dialysis हमने last lecture में देखा था. Dialysis dia का मतलब through होता है और lysis का मतलब होता है separate करना components को. तो इस lecture में हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स क्या हैं, किन चार मेजर प्रिंसिपल्स के ऊपर हमारा जो डायलिसिस है वो टिका हुआ है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो है डिफ्यूज़न का. सेकंड प्रिंसिपल जो हमारे काम आता है वो है अल्ट्राफिल्ट्रेशन. थर्ड वन इज़ कन्वेक्शन या जिसको हम सॉल्वेंट ट्रैक बोलते हैं. एंड फोर्थ वन इज़ ऑस्मोसिस. मेनली जो ऑस्मोसिस है वो पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर काम करता है. तो अभी हम एक एक करके सबकी बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे डिफ्यूज़न क्या होता है. तो डिफ्यूज़न अगर हम बात करें तो हमने टेंथ इलेवेंथ में भी बहुत बार पढ़ा है. डिफ्यूज़न मूवमेंट होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स का फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू SPM अनटिल द इक्विलिब्रियम इज़ अचीव्ड. तो डायलिसिस के अंदर भी एक्चुअल में यही हम जो प्रिंसिपल है डिफ्यूज़न का ये यूज़ करते हैं. इसका डेफिनेशन होता है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम हाई सोल्यूट कंसनट्रेशन टू लो सोल्यूट कंसनट्रेशन. वही हो गया मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो सोल्यूट कंसनट्रेशन. बट अगर हम बात करें इसकी डिफ्यूज़न की डायलिसिस के अंदर कैसे ये हम इसको यूज़ कर पाते हैं हीमोडायलिसिस के केस के अंदर या पेरिटोनियल डायलिसिस के केस के अंदर. तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जब हम हीमोडायलिसिस कर रहे होते हैं पेशेंट्स का तो हमारे पास एक डायलाइजर होता है और डायलाइजर के अंदर हमारे पास दो कंपार्टमेंट्स होते हैं. एक जिसमें सिर्फ डायलिसेट होता है और दूसरा जहाँ पे जो पॉलीसल्फोन के थ्रेड्स होते हैं जिनमें हमारा जो चलता है ब्लड फ्लो करता है. तो जो हमारा पॉलीसल्फोन होता है पॉलीसल्फोन मेम्ब्रेन वो डायलिसिस के केस में SPM का काम करता है और जो ब्लड होता है वो पॉलीसल्फोन मेम्ब्रेन की दूसरी साइड पर होता है और जो डायलिसेट होता है वो दूसरे वाली साइड पे होता है. एक साइड पे ब्लड होता है दूसरी साइड पे डायलिसेट होता है. अब मान लीजिए क्योंकि किडनी पेशेंट्स के अंदर आमतौर पे हमें देखने को मिलता है कि जो ब्लड के अंदर कंपोजिशन होता है यूरिया का क्रेटिनिन का सबका हाई होता है और जो हमने डायलिसेट एक फ्लूइड बनाया होता है प्रपोर्शनिंग यूनिट के हेल्प से मशीन्स के अंदर उसके अंदर यूरिया क्रेटिनिन का कंपोजिशन बहुत ही कम होता है या एक्चुअल में होता ही नहीं है. यूरिया तो होता ही नहीं बिल्कुल भी, क्रेटिनिन भी बिल्कुल नहीं होता. तो जो मूवमेंट होगा वो ब्लड से यूरिया और क्रेटिनिन का टुवर्ड्स डायलिसेट होगा. तो इस प्रिंसिपल को यूज़ करके हम डिफ्यूज़न करते हैं और ये प्रिंसिपल सिर्फ यूरिया क्रेटिनिन के केस में नहीं, सोडियम पोटेशियम जितने भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेज होते हैं वो सारे हम इसी तरीके से रेक्टिफाई करते हैं. तो इस तरीके से हमारा जो डिफ्यूज़न का प्रिंसिपल है वो काम करता है डायलिसिस के अंदर हीमोडायलिसिस के अंदर. और ऐसे ही अगर हम पेरिटोनियल डायलिसिस की भी बात करें तो पेरिटोनियल जो कैविटी होती है पेशेंट की उसके अंदर हमने एक फ्लूइड डाल दिया जिसमें कोई भी हाई कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो हमने बहुत जो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हाई हो जाते हैं जब किडनी फंक्शन नहीं करता जैसे सोडियम हो गया पोटेशियम हो गया इन सब की कंसंट्रेशन हम डायलिसेट के अंदर बिल्कुल लो रखते हैं. यूरिया क्रेटिनिन वगैरह भी बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है ये इसके अंदर नहीं होता. तो वो बाय द हेल्प ऑफ ब्लड कैपिलरी नेटवर्क क्या होता है जब ये पेरिटोनियल फ्लूइड में जब पेरिटोनियल कैविटी में जब हम ये फ्लूइड डालते हैं और जब वो ब्लड कैपिलरीज के कंटेक्ट में आता है तो वहाँ भी सेम डिफ्यूज़न मूवमेंट होता है और जो भी यूरेमिक टॉक्सिन वगैरह होते हैं वो ब्लड से इस फ्लूइड के अंदर आके बैठ जाते हैं. तो इस तरीके से हम जो हमारा पहला प्रिंसिपल है डिफ्यूज़न का वो डायलिसिस के अंदर हम ऐसे लगाते हैं. मतलब ये हम लोग कैसे वर्क करता है तो हम बात करेंगे. डिफ्यूज़न ऐसे इस तरीके से वर्क करता है. मूवमेंट होता है हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ. डायलाइजर के अंदर फ्रॉम ब्लड कंपार्टमेंट टू डायलिसेट कंपार्टमेंट और पेरिटोनियल के अंदर फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज टू द पेरिटोनियल फ्लूइड ये ऐसे मूवमेंट करता है. उसके बाद जो सेकेंड हमारे पास प्रिंसिपल जो हम लगाते हैं वो है अल्ट्राफिल्ट्रेशन का. तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता क्या एक्चुअल में. अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. अब वहाँ पे हम एक्चुअल में क्या कर रहे थे कि वहाँ पे वो अपने आप मूवमेंट हो रहा था. डिफ्यूज़न पैसिव मूवमेंट था हाई टू लो कंसंट्रेशन की हो रहा था. यहाँ पे हम ये
पैसिव नहीं है। इसके लिए हमने ना दो, जैसे डायलाइजर मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो ब्लड कंपार्टमेंट हो गया और एक डायलिसिट कंपार्टमेंट हो गया। अब मान लीजिए जितने भी पेशेंट्स होते हैं हमारे पास डायलिसिस के अंदर, आमतौर पे वो वॉल्यूम ओवरलोड के शिकार होते हैं क्योंकि उनके अंदर किडनीज फंक्शन नहीं कर पा रही होती, तो उनकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं फ्लूइड रिटेन होता है। और हमें पता है कि हम जब यूएफ लगाते हैं डायलिसिस पेशेंट्स का, तो कोई कहता है 2 लीटर लगा दो, कोई कहता है 3 लीटर लगा दो। तो ये 3 लीटर 2 लीटर एक्चुअल में फ्लूइड का वॉल्यूम ही होता है, और ये मेनली अल्ट्राफिल्ट्रेशन की हेल्प से ही निकलता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में हम जैसे दो मेम्ब्रेन्स हो गया ब्लड कम दो कंपार्टमेंट्स हो गया, ब्लड कंपार्टमेंट हो गया और डायलिसिट कंपार्टमेंट हो गया, तो एक साइड पे हमने प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट कर देना और दूसरी तरफ फिर मोमेंट अपने आप वाटर मॉलिक्यूल्स का शुरू हो जाएगा। तो इस आमतौर पे क्या होता है कि हम डायलिसिट कंपार्टमेंट में प्रेशर नेगेटिव कर देते हैं, ब्लड कंपार्टमेंट में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव वो मूव करेगा और इस तरीके से हम पेशेंट का जो फ्लूइड ओवरलोड का स्टेटस होता है उसको रेक्टिफाई करते रहते हैं। फिर थर्ड जो हमारे पास प्रिंसिपल जो हम डायलिसिस के अंदर यूज़ करते हैं या जो वर्किंग में रहता है डायलिसिस के अंदर, वो होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन को हम सॉल्वेंट ड्रैग भी बोलते हैं। इसको हम एक एग्जांपल इस तरीके से भी लेके समझ सकते हैं कि जैसे हमने देखा हुआ है कि पहाड़ों में से ऐसे नदियाँ निकलती हैं, तो वो अपने साथ बहाते बहाते कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स, कुछ कण जो होते हैं वो भी अपने सरफेस के साथ ले आती हैं। तो कन्वेक्शन भी सेम उसी मुद्दे के ऊपर ही है कि जब हम मूवमेंट करवा रहे होते हैं हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की तरफ वाटर की, जिसे हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन बोलते हैं, तो उसके साथ कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी ऐसे ड्रैग होके आ जाते हैं। तो ये भी हमें हेल्पफुल रहता है सॉल्यूट पार्टिकल्स को रिमूव आउट करने के लिए बॉडी के अंदर से। तो इस प्रिंसिपल को हम कन्वेक्शन बोलते हैं, सॉल्वेंट ड्रैग बोलते हैं, एडवेक्शन भी बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन डिजॉल्व एंड स्मॉलर सॉल्यूट पार्टिकल्स आर ऑल्सो ड्रैग्ड विद वाटर टू अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन और वट वी कॉल इट इज सॉल्वेंट ड्रैग। सिंपली दैट इज सिंपल। चौथा प्रिंसिपल जो अप्लाई होता है डायलिसिस के अंदर वो मेनली पीडी के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर सॉल्यूट कंपोजिशन टू सॉल्यूट विथ हायर सॉल्यूट कंपोजिशन अक्रॉस अ एसपीएम। इसमें हम एक सॉल्वेंट एक ग्रेडियंट बना देते हैं, जो हमारा डायलिसेट पीडी फ्लूड होता है उसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज या आइकोडेक्सट्रिन वगैरह हम कंपोनेंट्स रखते हैं, तो उनमें क्या होता है ग्रेडियंट बन जाता है। तो अब जहाँ पे जिस सॉल्यूट में मतलब कंपोजिशन ज़्यादा रहेगी तो बाकी का जो फ्लूइड होगा वो भी उसी तरफ आने की कोशिश करेगा, तो बॉडी में से फ्लूइड हम इसी तरीके से ट्रैग आउट कर लेते हैं। तो ये ऑस्मोसिस का जो प्रिंसिपल होता है ये पीडी के अंदर मेनली लागू करता है। पीडी के पेशेंट्स के अंदर से हमें जब यूएफ निकालना है तो हम एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट उसके अंदर डालते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड के अंदर, जो ऑलरेडी जब मैन्युफैक्चर्ड होता है तभी उसमें डला होता है, उसके थ्रू हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन करवाते हैं। तो ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का काम यहाँ पे काम आता है। और अगर हम बात करें तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो होती है डायलिसिस हीमोडायलिसिस के अंदर वो कन्वेक्टिव रहती है, जबकि अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो पीडी के अंदर होती है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के बेस के ऊपर होती है। तो दिस वाज इन दिस लेक्चर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डायलिसिस। होप यू एंजॉयड। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।